हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्नावली 6 क्लास 10 की। उससे आगे 5 तक अपने क्वेश्चन कर लिए थे, अब क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में एक आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई थी जिसमें आंसर अलग अलग आ रहा था। उसमें क्या क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, साइन 30 की जगह शायद सेक 30 होगा, सेक 30, ठीक है। वो करोगे तो आपको पीछे वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपसे मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर। जो भी नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप सभी का प्यार बना रहेगा तो यही अपन चलते रहेंगे, और प्यार नहीं रहेगा तो कभी गाड़ी रुक भी सकती है, ये तो होता ही है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। 4 cot² 45, 4 को 4 गुणा cot, cot 45 का मान कितना, आराम से देखो और करो, जितनी बार ट्राई करोगे सारे बड़ा मैं लिखो तो मान याद हो जाएगा, याद करने की कोशिश करना। cot 45, टेन 45 और कॉट 45 का मान एक ही होता है, एक एक। साइन और कॉस 45 का मान एक, और सेक और कोसेक 45 का मान एक जैसा है। एक का मतलब एक जैसा होता है, ठीक है, एक एक मतलब रख लेना, एक जैसा होता है इनका मान, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, और इनका तो एक ही होता है। इनका होता है 1/√2, इनका होता है 1/√2, ठीक है। कॉट 45 एक, एक का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक का है ये रहा 60, ये रहा यानी 2 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 ये रहा √3/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस का है ये रहा 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर कितना ही करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 1 होता है, 4 को 1 से गुणा करोगे 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से क्या हो रहा है, ये से कट रहा है और पीछे बच रहा है 3/4, ठीक है। क्वेश्चन लंबा बहुत था लेकिन है क्या आंसर, कम ही है, आप आराम से कर सकते हैं। एक एक पद में करोगे तो इसको 4 गुणा 1 करोगे तो इसको 4 करोगे, बस 1 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, इसको साफ कर लेते, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। एक मैं ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा, आपको अंगूठियों पे ट्रिग्नोमेट्री याद करोगे, ये मेरी गारंटी है, अंगूठियों पे ऐसी ट्रिक जिसका नाम क्या होगा, अंगूठियों पे ऐसे ऐसे आप करके क्या करोगे इसका मान निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगले या दूसरी तीसरी वीडियो में आपको मिल जाएगी ट्रिक, पहले आप ऐसे याद करो। उसके लिए आपको पहले सबसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कम से कम 50-60 सब्सक्राइब बढ़ो फटाफट, जितना अच्छा होगा जितना अच्छा देने की कोशिश करूंगा। आप भी मेहनत नहीं करोगे तो मेरी भी मेहनत कम ही रहेगी आपके प्रति। सीआर कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ये तो हो गया था अपना 6 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन करना, ये है अपना क्वेश्चन नंबर अगला, करने की कोशिश करो फटाफट करो। करो, आपने कभी होगा 4/cot²30, 4/cot²30, कॉट 30 का मान कितना होता है, 10 60 √3, तो कॉट 30 का भी क्या होगा, 1/√3, 1/√3 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस 1/sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस और 45 साइन का 45 का मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर कितना होता है, 1/√3 का 3 हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2। अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, देखो
ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे तो ऊपर आ जाएगा, गुणा में तो क्या हो जाएगा, चार बटे एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार बटे एक। कैसे होगा, अब देखो कि एक बटे एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक को और एक बटे चार। पहले मैंने बताया था ये ऊपर जाएगा तो गुणा में क्या आ जाएगा, चार बटे एक होगा, नहीं होगा। इसको अपन लिख देंगे प्लस चार बटे एक, ठीक है, माइनस दो, माइनस दो। अब इनका लसप लो, छह आएगा लसप दो बार और आठ प्लस, ठीक है, ये तीन इसमें चला जाएगा, पांच हो जाएगा उनतीस बटे छह। आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सातवा। फटाफट नोट करो, अगला कर रहे हैं अपन। तो नोट करिए साफ कर, फिर से इसका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आठ नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं और जो भी चैनल पे नए हैं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये देखो, टेन स्क्वायर साठ प्लस चार साइन स्क्वायर पैंतालीस प्लस साइन स्क्वायर नब्बे बटे तीन सेक स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर साठ डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर तीस डिग्री। कैसे करना है, टेन स्क्वायर साठ, टेन साठ का मान कितना होता है, अंडरूट तीन, अंडरूट तीन का स्क्वायर करो प्लस चार साइन स्क्वायर पैंतालीस एक बटे अंडरूट दो का स्क्वायर प्लस साइन नब्बे का मान एक, एक का स्क्वायर एक होगा, ठीक है। अब मान देगा ना साइन स्क्वायर पैंतालीस, साइन पैंतालीस एक बटे अंडरूट दो स्क्वायर देगा। तीन सेक तीस का मान कितना, सेक तीस का मान दो बटे अंडरूट तीन का स्क्वायर प्लस कोसेक साठ दो बटे अंडरूट तीन माइनस कॉट तीस अंडरूट तीन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो जाएगा तीन प्लस चार बटे दो अंडर दो का स्क्वायर दो, चार ऊपर चार बटे दो प्लस एक। अब ये कट के यहां कितना आ रहा है, दो आ रहा है, ठीक है, आप कर लेना आराम से। तीन गुणा चार बटे तीन हो रहा है प्लस दो बटे अंडर तीन माइनस तीन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका स्क्वायर दो का चार अंडर तीन का तीन। अब तीन से तीन कट रहा है, अब इसको काटो सर्व करो, यहां पे कर लेते हैं अगला। तीन प्लस दो प्लस एक बटे चार प्लस दो बटे अंडरूट तीन माइनस तीन, तीन और दो पांच और एक छह बटे चार में से तीन चला गया पीछे बचा एक, एक प्लस दो बटे अंडरूट तीन, ये क्या हो जाएगा, लसब लेना पड़ेगा इसका। तो इसको लेको छ बटे अंडरूट तीन लसब आ जाएगा क्योंकि इसकी बची एक, अंडरूट तीन प्लस दो प्लस दो, ये हो जाएगा आपके छ अंडरूट तीन बटे दो प्लस अंडरूट तीन, ठीक है। छह का छह रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है।
और ये इसको आगे पीछे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो प्लस अंडर रूट थ्री हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो आठवां नंबर, आगे देखते हैं नौ नंबर क्वेश्चन। आराम से मान रखो और करो, मान रखो और करो। ये नौ नंबर क्वेश्चन देखो, साइन 30 का मान कितना है 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 गुणा कॉस 0 का मान होता है 1 बटे टेन 30 का मान होता है 1/√3 गुणा टेन 60 का मान होता है √3 होता है। अब देखो ये 2 गुणा 1 2 हो जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे इससे ये कट जाएगा तो पीछे कितना 1 बचेगा और ये रहेगा दो में से एक गया 1 + 1/2 1 + 1/2 ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। ठीक है ये आप कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 पीछे है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट नोट कर लो, कर लिया है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 tan 30 का मान कितना है 1/√3 1 - tan²30 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 - 1/3 रहेगा नहीं रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या होगा 2/√3 ये 3 में से एक गया 2/3 अब इसको उल्टा करोगे ऊपर लेके आओगे इसे ये कट जाएगा पीछे बचेगा 3/√3 एक तो ये आंसर हो गया। इसका परिमेयकरण करोगे √3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3/3 3√3/3 अब देखो 3 से 3 कट जाएगा पीछे बचेगा 3 इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करोगे 3 हो गया और ये 3 √3 3 से 3 कट जाएगा पीछे बचेगा 3 ये आपके 1 से 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं 1 से 10 तक। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करने की कोशिश करें आप भी करें अपने पड़ोसी से भाइयों से दोस्तों से सभी से करें घर में जितने कौन है सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है आपकी कोशिश रहेगी तो मैं और अच्छा देने की कंटेंट तैयार करूंगा। आवाज साफ नहीं आ रही उसके लिए भी माइक मंगवा लिया है हो जाएगी आपकी आवाज साफ आएगी फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है चलो आज इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए वंदे मातरम।